तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लंच पार्टी दी है, जिसमें पार्टी के सभी विधायक पूर्व सांसद और तमाम दिग्गज नेता लंच पार्टी में शामिल हुए। इस पार्टी में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी मौजूद रही। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी की सूची आने से पहले इसे कांग्रेस की लंच डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में अनुमान लगाया जा रहा है कि अब क्या कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की लंच पार्टी में सभी नेता मौजूद रहे हैं, फिर चाहे वो कुमारी शैलजा ही क्यों ना हो। भूपेंद्र हुड्डा की ये लंच पार्टी थी जहां पर प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद रहे, और इसके साथ ही इसे माना जा रहा है कि लंच डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी इस लंच पार्टी में शिरकत की थी। प्रदेश कार्यकारिणी की सूची आने से पहले ये लंच डिप्लोमेसी देखी जा रही है, और इन तस्वीरों से लोगों को ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि क्या अभी भी कांग्रेस के बीच जो हालात हैं वो सही हैं, या केवल ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो रहा है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की ये लंच डिप्लोमेसी की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, बड़े चेहरे इस पार्टी में मौजूद रहे, और इसके साथ ही इसे अब लंच डिप्लोमेसी करार दिया गया है। और इस लंच पार्टी की अगर बात की जाए तो उसमें विवेक बंसल भी थे, प्रदेश प्रभारी हैं वो, और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी इस पार्टी में शिरकत की थी। हालांकि ये पूरा इवेंट एक अनौपचारिक तरीके से रखा गया था, इसके साथ ही जो लोग इसमें, जो दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहे, उनकी भी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है, जहां पर प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने भी शिरकत की थी, और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी इस पार्टी में मौजूद रही थीं।